चलो ये बार बोले हरिद्वार साहब कब तक पहुंच जाओगे। ये बोले कि ये देखिए एक बार जयकार लगा, बोले बोले बाबा की ये देखिए भक्तों कितना अच्छा है, यहाँ पे भीड़ हुई हुई है और ये देखिए कितनी, ये देखिए बोले बाबा की, ये देखिए कितनी कितना जोश है, बोले बाबा को भक्तों में जोश से भरे हुए हैं, पूरा जोश है इनमें। एक बार जोर से जयकार लगाइए, जोर से जयकार लगाइए। ये देखिए हमारा चैनल है, चैनल चैनल प्रॉमिसरी चैनल। ये देखिए बोले बाबा कितना जोश है, कावड़ है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख कितनी लंबी लाइन लगी हुई है भोले बाबा की, बहुत ही। ये देखिए हेलीकॉप्टर द्वारा प्रशासन द्वारा निगरानी की जा रही है। देखिए ये पूरा माध्यम जाना हुआ, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर भी लगा रखा है पूरा माध्यम की निगरानी के लिए। ये देखिए हेलीकॉप्टर जाता हुआ, ये सामने जा रहा है आपके हेलीकॉप्टर। ये देखिए, ये देखिए ये पूरा है मंदिर की तरफ और यहाँ पर लाइन लगती हुई, लाइन में हम लगे हुए हैं और आगे चलते हुए। ये देखिए उधर से भोले बाबा वक्त जा रहे हैं दर्शन कर करके और ये आगे चल रही लाइन। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है और यहाँ भंडारा चल रहा है भोले जी का, विशाल भंडारा है जिसमें भक्त अपनी सेवा करते हुए लगे हुए हैं, महादेव जी का सेवा चल रही है। ये देखिए भोले जी, ये देखिए काफ़ी प्रशासन लगा हुआ है सुरक्षा में चलते हुए। ये मंदिर की तरफ जा रहे हैं, प्राण महादेव मंदिर की तरफ। ये देखिए नज़ारा यहाँ का और प्राण महादेव मंदिर की तरफ, ये है उत्तर प्रदेश द्वार, काफ़ी प्रशासन प्राण महादेव मंदिर का उत्तर प्रदेश द्वार है और हम आगे तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए मंदिर का उत्तरी द्वार है, इसकी तरफ जाते हुए मंदिर की तरफ करते हुए हम आगे तरफ बढ़ते हुए। ये देखिए, ये देखिए गंगोत्री द्वार की श्री गैलरी का निर्माण और तीसरा श्री वो छोटे वाले ने करवाया है और हम परमादेव मंदिर की तरफ आगे जाते हुए। ये देखिए आगे नज़ारा, यहाँ भोले बाबा के जयकार लग रहे हैं। कितनी लंबी लाइन लगी आगे तरफ चलते हुए, आगे देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखिए और कितनी भीड़ भाड़ है, देखिए मंदिर की यहाँ का, देखिए बहुत बड़ा मंदिर में कितनी भीड़ भाड़ है, बड़े मंदिर बना रहे। देखिए आपको दिखा रहे हैं भीड़ भाड़ है, काफ़ी भीड़ भाड़ है, हम मंदिर प्रवेश कर चुके हैं, बहुत भीड़। अरे बाबा हरी जय, देखिए मंदिर में जा रहा हूँ। बोले बाबा की जय, मम बोले त्रिपुरा महादेव की चारों तरफ भक्तों में जयकार लग रही है। देखिए भोले बाबा क्या जयकार लग रहा है, हम बोलेंगे बहुत अच्छे से। मंदिर प्रवेश करते हैं, महादेव जी का मंदिर है अलग अलग जगह से। ये देखिए हम आपको मंदिर के अंदर घूमने आ रहे हैं। ये देखिए देखो मंदिर में प्रवेश कर चुके हूँ, मंदिर में आगे मंदिर बना है। ये देखिए, ये देखिए अभी आपका मंदिर, ये देखो यहाँ पर वक्त लगे हुए हैं। ये देखिए बारी में इधर चलाते हुए, ये देखिए मंदिर में नज़ारा और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, उधर चलाते हुए आगे बढ़ते हुए और मंदिर में काफ़ी श्रद्धा से भाव। ये देखिए आप देख रहे हैं मंदिर, ये कितनी भीड़ हो रही है। ये देखिए परमादेव मंदिर की हेलीकॉप्टर द्वारा निगरानी हो रही है। ये देखिए आपको हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा, ये देखिए ये आपका हेलीकॉप्टर, देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी श्रद्धालुओं का जोश है, पूरा सिस्टम हैंग हो चुका है, प्रशासन पूरा जोर से लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी सेवा। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा बोल है। ये देखिए अगर आग वगैरह लगती है तो बात प्रशासन ने आग बुझाने की गाड़ी लगा रखी है और ये देखिए फायर स्टेशन की भी। ये देखिए प्रशासन का, ये देखिए अब आपको दोबारा दिखा दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर सेवा में लगा दिया गया है और ये देखिए हेलीकॉप्टर जाता है ऊपर से, हम आपको दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर जा रहा है। ये आपका पूरा महादेव के दर्शन करा रहा है, श्रद्धालु बैठे हैं हमें और ये देखिए इसमें, ये देखिए ये बोले की लगे, बोले आप कहाँ से आए आप? मुजफ्फरनगर से आए हुए भोले बाबा और कावड़ जल चढ़ा दिया आपने, अभी जल चढ़ाने जाएंगे, इसके बाद मुजफ्फरनगर के प्रस्थान करेंगे और बहुत कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, भोले बाबा की आए हुए आपको दिखा रहे हैं और ये यहाँ पे झोले भटूरे वगैरह की दुकान लगी हुई है, अगर किसी जगह को लगती है वगैरह तो उसके लिए भी सेवा की गई यहाँ पे। प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरा बंदोबस्त कर रखा है, हर तरीके से संभावना जितनी भी हो रही है प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है इस मेले में और ये देखिए हर तरीके की निगरानी की जा रही है, हेलीकॉप्टर सीसीटीवी
से, और बाकी जितना प्रशासन लगा हुआ है पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है, और हर तरीके से सेवा की जा रही है श्रद्धालुओं की, किसी तरीके की दिक्कत ना आए उस तरीके की ले गए हैं। भक्तियाँ देखिए कावड़ ले जा रहे हैं और श्रद्धालुओं की हर सेवा की जा रही है जो सके। कहाँ जाओगे बोले, कहाँ जाओगे तुम, कहाँ जाओगे बोले हो, कहाँ जाओगे तुम, ये वापस आए, वापस कौन सी जगह से हो, गुजरात से आए हुए हैं। तो जल चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये देखिए बाबा कितने रुपए का दे रहे हैं आप, 10 रुपए का दे रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप, आत्र से आए, मतलब यहाँ पे अपना सेवा दे रहे हैं श्रद्धालुओं की, इतनी अच्छी महिमा यहाँ पर बाबा बोलेगी। और ये देखिए यहाँ पे श्रद्धा के भाव से अपना सेवा दे रहे हैं, बहुत दूर से लोग आए हुए यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक कावड़ सेवा समिति का भंडारा चल रहा है, वहाँ बहुत अच्छी भीड़ है सेवा समिति की तरफ नहीं चल रहे हैं। और देखिए अनाज मंडी ये भंडारा चल रहा है यहाँ पर, और ये देखिए कितने सम्मान से खाना खिलाया जा रहा है श्रद्धालुओं को, ये बड़े अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर ये देखिए खाना चल रहा है इनका, और यहाँ पर पूरा प्रशासन लगा हुआ है, और ये देखिए अपनी सेवा में लगे हुए हैं। ये देखिए कावड़ नहीं लाई, देखिए खाना चल रहा है, कितना अच्छी भक्ति है। देखिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और हर तरीके का जैसी संभावना बन रही है वो अपना सहयोग कर रहा है और सेवा कर रहा है, और अपना जिसका जैसा भाव है वो सब की सेवा कर रहा है। नरेला भंडार समिति है इनकी, और दिल्ली का बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं भोले बाबा की श्रद्धा के लिए। यहाँ पर आप कितने लोग आप यहाँ भंडार खा चुके हैं, अनुमान अभी तक 2500 खा चुके हैं, परसों तक 20000 आदमी खा लेंगे, परसों तक 20000 का अनुमान है इनका। यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे और भंडारा ले चुकेंगे। यहाँ पे आपकी श्रद्धालु कितने लगे हुए सेवा करने के लिए, श्रद्धालु की सेवा में लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पे भंडारे में सामान परोस रहे हैं, जो भी है इनका पूरी सब्जी जो भी परोस रहे हैं सेवा कर रहे हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ये बहुत अच्छा हम आपको लाइव दिखा दे रहे हैं इनका, इतना अच्छा देखिए भोजन करा रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा की जा रही है, श्रद्धालु भी सेवा में लगे हुए हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अच्छी कावड़ सजा के लाए हैं, कावड़ दिखा देने आपको, उनके नजारा दिखा देने। तो ये देखिए नजारा इनके कावड़ का, ये देखिए आपको दिखा दे, आप कहाँ से आए, लेकिन अच्छी कावड़ सजी, कहाँ से आए आप, हरिद्वार से, हरिद्वार से आए हो, जाओगे कहाँ पर, जमालपुर, ये जमालपुर के लिए जाएंगे। और जमालपुर यहाँ से कितना किलोमीटर है, यहाँ से है कोई 40-50, यहाँ से 40-50 किलोमीटर है। जल चढ़ा दी बोले आपने, जल चढ़ा दी, जल नहीं अभी चले, अभी ये बोले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद अपने गाँव के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आप बोले कैसा लग रहा है, अच्छा लग, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बार जयकारा लगा दी, बोले बोले बाबा की, ये देखिए हम आपको कितना खर्चा आया, बोले बाबा कावड़ बहुत अच्छा, कावड़ पसंद आने में कितना खर्चा आया, ये हमारा चैनल है प्रॉमिस योर सेल्फ, आप 6000 रुपये खर्चा आया था इसमें। ये देखिए काफी अच्छी कावड़ सजाई हुई है, और ये देखिए अच्छे अच्छे कावड़ सजा के लाए भाई। ये भी बोले बाबा, बोले कहाँ जाओगे तुम, कराना जाओगे, बोले कब पहुँच जाओगे, जल चढ़ा दिया आपने, अभी जल चढ़ाने जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। देखिए कावड़ बहुत अच्छी सजी हुई है, देखिए ऊपर तक काफी अच्छा नजारा आया, देखिए इनका बहुत अच्छा है। देखिए हम मतलब सिस्टम बिल्कुल बहुत अच्छा बना रखा है उन्होंने, काफ़ी सुविधा अच्छी दे रही हैं, और प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है यहाँ पर। और ये देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, भंडारे भी चल रहे हैं जगह जगह पर, भीड़ भाड़ भी है, लेकिन प्रशासन ने पूरा सहयोग कर रखा है, CCTV लगे हुए हैं, और कैमरे से निगरानी की जा रही है, हर तरीके की सुरक्षा दी जा रही है, प्रशासन भी लगा हुआ है। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की, हर तरीके की सुविधा प्रदान की जा रही है, और बच्चे झूल रहे हैं, देखिए बच्चे कूद रहे हैं, ये क्या जंपिंग ले रहे हैं, बहुत मस्ती मस्त दीवाने हो रहे हैं बोले के वक्त हैं। ये देखिए भाई डालिया वगैरह बेच रहे हैं, जो कि लोकल घर के लिए काम आती है, ये तस्वीर वगैरह बेच रहे हैं, ये देखो काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, काफ़ी दूर से आए श्रद्धालुओं की श्रद्धा से। ये देखिए गोपाल की डलिया बेच रहे हैं, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है इनका, और ये तस्वीरें बेच रहे हैं, ये तस्वीरें अंकल कहाँ रहने वाले हैं आप, अंकल कहाँ रहने वाले हैं आप, और लग रहने वाले हैं, और लग रहने वाले हैं, देखिए तस्वीर बेच रहे हैं। कब आए हो अंकल हम यहाँ पे, यहाँ पर हम 2 दिन पहले आए हैं। अच्छा 2 दिन से आप देख रहे हैं, हम आए हैं, अच्छा। हमारी तस्वीर बहुत बहुत दूर जैसे कि हिमाचल राजस्थान, अरे ये देखिए अंकल अपना इंट्रोडक्शन कितना अच्छे से दे रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें हैं, कितना अच्छा बता रहे हैं अपना बारे में। तो अंकल अब तक आपकी यहाँ पर तस्वीर कितनी, फिलहाल यहाँ पर 3000 तस्वीर के लोगों की चुकी, ये देखिए 3000 बता रहे हैं अंकल तस्वीर बिक चुकी है यहाँ पर, ये देखिए इनकी दुकान नजारा दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए हाँ, ये देखिए स्पेशल मानी जाती है क्योंकि इसको नक्षत्र के रूप में माना जाता है, गृह प्रवेश के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ये भी यहाँ पर अंकल पास मिलती है, पुराना काम रहता है इनका स्पेशली। अच्छा अच्छा, तो अंकल इसकी कीमत क्या रखी है आपने, ₹100 में दे रहे हैं इसको, माल खुद 100 रुपए की है, बहुत कम कीमत है ये, तो आपने बहुत अच्छी कीमत रख रखी है, ये कितनी अच्छी कीमत रख रही है अंकल, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है हमारा, टोटल पेंटिंग से लेकर। ये देखिए हम भोले बाबा के जितने भी भक्त हैं उनसे निवेदन करते हैं, अगर किसी को ये बार तस्वीर चाहिए तो मात्र अंकल 100 रुपए में दे रहे हैं, यहाँ पर आके ले सकते हैं, हमारे चैनल पर आप देख सकते हो, ये हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आपको कोई यहाँ पर अगर आना है महादेवपुरा मंदिर में तो सबसे लास्ट वाली गली है, यहाँ पर झूले वगैरह चलते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए रूम वाली तस्वीरें हैं, यहाँ पर आप भगवान जी के सामने मिलेगा लड्डू गोपाल वगैरह, ये देखिए हम आइटम दिखाते हैं आपको, ये जो भगवानी भक्ति में काम आता है वो सामान मिलेगा यहाँ पर, जैसे ये जलप मुजफ्फरनगर से आए भाई, और इनकी ये दुकान यहाँ पर देखिए, हम आप इनका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं एक बार, रुकिए
भाई आपने जो रेट रख रखा है वो मतलब मेले के हिसाब से रख रखा है कि आपने कम कीमत रख रखी है? ये देखिए लड्डू गोपाल की हम आपको तस्वीर दिखा दे रहे हैं, ये देखिए ये जितने भी पूजा के सामान हैं दीपक वगैरह इनके पास सब मिलते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है और कीमत भी इन्होंने अच्छी रख रही है। बता रहे हैं भाई की कीमत हमने बढ़ाई नहीं है, मेले के हिसाब से वही कीमत रखी जो अपनी दुकान बेचते हैं पहले, वही कीमत रखी है। इनके भाई सहयोग कर रहे हैं, इनके आप इनके भाई हैं, भाई आप इनके भाई हो, ये देखिए भाई हैं इनके आप लगे हुए हैं। और ये देखिए बोले कावड़ी आ गए हैं और बुम बुम पे जयकार लगा रहे हैं। देखिए महादेव के अंदर का ही फोटो हम दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल प्रणाम कराते हैं। बोले आप कहाँ से हैं आप? जड़ौदा मंडा देखना, सहारनपुर से आए। बोले आओ तो आपने जल चढ़ा दिया? नहीं अभी तक। जल चढ़ाएंगे तो कब तक पहुँचना आपको सहारनपुर में? शाम को रात शाम तक पहुँच जाएंगे। बोले बाबा तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बोली बोले बाबा की आपकी शुभकामनाएं। बोले बाबा की आप जय जयकार लगाते जाइए जल्दी। बोले बाबा की ये देखिए एक बार आया कर दीजिए, ये देखिए भक्त बाबा बोले बाबा कृपा में बनी रहे, ये आपके साथ शुभकामनाएं बहुत लाने का तरीका बहुत अच्छा है। देखिए कलश में लेके आए कांवड़, ये देखिए भोले बाबा की यात्रा, देखिए अलग तरीके से आ रहे हैं। ये भोले बाबा को लाइव दिखा रहे हैं, पूरा महादेव के मंदिर में ही सामने खड़े हैं। आपको देखिए कितना अच्छा अच्छा नजारा है। भोले बाबा जयकारे लगाते हुए चलते जा रहे हैं। ये बाकी ठीक है हमारे भाई भोले बाबा भक्त चलते हुए अपनी यात्रा को की तरफ। और ये देखिए अलग अलग जगह से आ रहे हैं। बोले आपको भोले से इंट्रोडक्शन कराएंगे जल्दी। आप कहाँ से आ रहे हैं? कब तक पहुँच जाओगे? चल चढ़ा दिया आपने? नहीं हम तो तरह से चलाओगे। अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है भोले की। चलिए अपनी नज़ारा दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए आपको मंदिर का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं बारी बारी से, आपको सामने का नज़ारा दिखा रहे हैं। देखो श्रद्धा भाव से जल चढ़ाकर आते हुए ऊपर ये प्रमाजा श्रद्धा भाव से जितने श्रद्धालु भोले बाबा अपनी विश्राम दे रहे हैं अपना यात्रा को और अपनी कांवड़ को ठहरा रहे हैं, उसको झूला झुला रहे हैं एक तरीके से। और जो ये अपना आराम कर लेंगे तो यहाँ से अपनी कांवड़ उठाएंगे, अपने प्रस्थान करेंगे अपने गंतव्य स्थान की तरफ, आगे की तरफ चलते हुए जाएंगे ये और अपने जहाँ इनको पहुँचना पहुँच जाएंगे। देखिए आपको मेले का नज़ारा दिखा रहे हैं, मेला बहुत सुंदर है यहाँ पर, एकदम सिस्टम हैंग कर चुका, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है तरीके से। ये देखिए भीड़ पूरी तरीके से सिस्टम मैनेज किया गया है और कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी तरीके से। ये देखो हर तरीके की सुविधा दी जा रही है और पूरा सही से हो रहा जो भी है। ये देखो ये देखिए भोले बाबा की यात्रा के लिए ये लंबी लाइन लगी हुई है और ये अपने जल चढ़ाने के लिए जाएंगे, दूर दूर से आए हुए हैं लोग। ये देखिए हम उनकी यात्रा दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है भोले बाबा और ये अपनी यात्रा करने की लाइन लगा रखी है इन्होंने। ये देखिए आगे ये अपना यात्रा महादेव की तरफ जाएंगे। ये देखिए जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो? महादेव कहाँ से आए हो आप? हरिद्वार से आए हो? कहाँ जाओगे? हरिद्वार जाओगे कि अब चढ़ा दिया? भोले बाबा कितनी अच्छा से जा रहे श्रद्धा भाव से, भोले बाबा कितनी अच्छी वो है महिमा और आगे तरफ जाते हुए। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं भोले की जय हो, ये देखो आपको दिखा रहे हैं आपको, ये देखो आगे से जाते हुए भोले बाबा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और ये काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और काफ़ी सहयोग किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। ये देखिए काफ़ी भीड़ है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं आप श्रद्धा भाव से और श्रद्धालु अब ये परमादेव पर जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। देखिए आपको दिखा रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। देखिए आगे तक दिखा रहे हैं आपको दृश्य यहाँ का, ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर, कावड़ चला रखी है यहाँ पर। ये देखो आपको दिखा रहे हैं कितनी भीड़ है और वहाँ पर दर्शन करने के बाद तब वापस आएंगे फिर गंतव्य स्थान के लिए जाएंगे। ये देखिए यहाँ श्रद्धालुओं में कितनी श्रद्धा भाव है, ये देखिए भक्त अपना अपनी कावड़ को लेते हुए अपने परमादेव मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए परमादेव की कितनी भीड़ है यहाँ मंदिर में और जितने भी श्रद्धालु हैं कावड़ चढ़ा चढ़ा कर वापस आ रहे हैं। ये लाइन लगी हुई है श्रद्धालु जो जल चढ़ाने के लिए जाएंगे और काफ़ी श्रद्धा वापस जा रहे हैं। देखिए कितना प्रशासन अपना सहयोग कर रहा है इसमें और काफ़ी अच्छी योगदान दिया जा रहा है। श्रद्धालु भी अपनी कतार का में लगे हुए हैं, अपना इंतजार कर रहे हैं नंबर आने का। और यदि कितना अच्छा सहयोग किया जा रहा है, यदि कितनी भीड़ है यहाँ पर और काफ़ी अच्छी संख्या में श्रद्धालु पधारे हुए हैं, भक्त पधारे हुए हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छा सहयोग कर रहे हैं अपना यहाँ पर। ये देखिए अच्छी अच्छी तरीके से कावड़ सजाए हुए हैं यहाँ पर, लोग आए हुए हैं। और ये देखिए उधर से जो आ रहे हैं ये आपका निकास द्वार है, ये आपका प्रवेश द्वार है, यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करते हैं श्रद्धालु जितने भी जाते हैं और उधर से आते हैं वापस। तो ये निकास द्वार है, श्रद्धालु अपनी कांवड़ चढ़ाकर जल चढ़ाकर वापस आ रहे हैं और ये अभी जल चढ़ाने जाएंगे। जितने भी लोग लाइन में लगे हुए हैं ये जाएंगे मंदिर में जल चढ़ाने तब वापस आएंगे।